अच्छी लग रही, लेकिन ये जो तूने टॉप पहना ना बड़ा अच्छा लग रहा है। ना ना अब जो तुम पेट इतना वो मत छुपाओ, दिखाया है तुमने पेट, ठीक है पेट तो तुमने दिखाया है, पेट तो ठीक है। क्या खुला था? बटन खुला था। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सुबह का दिन है, मैं तैयार हूँ एकदम वर्कआउट के लिए, नहा चुकी हूँ और अब मैं एक अपनी कॉफी पीऊंगी, उसके बाद जाऊंगी वर्कआउट के लिए। आज स्वीटी ने आना है घर पे तो वो सारी चीजें भी होंगी। अविनाश का फोन आ चुका है, अविनाश शूटिंग पे है तो वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम करूंगी। मजा आ रहा है, वर्कआउट शुरू हो गए ना तो मजा आ रहा है। वॉक्स पे जा रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ, कुछ कुछ दिखा रही हूँ, कुछ कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ, बट यस आई एम फोकसिंग ऑन माय हेल्थ। हेल्थ इज मतलब हेल्थ पे तो कर ही रही थी बट बॉडी ऑल्सो, बॉडी ने बिल्कुल जवाब जो दे दिया था वो धीरे धीरे वापस आ रही है, मतलब हलचल हो रही है। ये पैर ना, पैर की उंगलियां मुझे कह रही है ये मेरे साथ क्या करा रही है, लिटरली मतलब ऐसे ना कुछ नस ऐसे होती है पैर की, वो क्यों हो रही है देखो। एक तो होता है एक्सरसाइज से हो रहा हो, बहुत टाइम के बाद अब शुरू किया है इसलिए पैर की उंगलियां ऐसा कर रही है, लेकिन क्योंकि मेरे इस वाले पर्टिकुलर पैर की उंगली में प्रॉब्लम भी हुई थी जब आपको याद है दुबई जाने से पहले, और मेरे को इंजेक्शन लगे थे यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है आई जस्ट होप कि ये वो चीज ना हो, बाकी तो सब ठीक है। लेकिन फिलहाल उसके लिए भी अभी 2-3 दिन तो कम से कम लगेंगे ये समझने के लिए कि क्या है, और 2-3 दिन जाने दूंगी। पैर की उंगली जैसे मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना, नसें हिल रही हैं अंदर की, एक एक पर्टिकुलर उंगली की। एनीवे कॉफी अगर आप बना लेती हूँ और देखते हैं फिर क्या होता है जिंदगी में। आइए दोस्तों, मैं कॉफी फटाफट बनाऊंगी, कॉफी पीऊंगी एंड आई एम गुड टू गो। अरे चिट्टी पुट्टी कुट्टी तो मिलाई नहीं, ये मेरी चिट्टी, ये मेरी पुट्टी, पुट्टी बिल्कुल ही पता ही नहीं कहाँ है। पूजा मेरी हो चुकी है यहाँ पे, और ये नहीं मेरी कुट्टी का, इस रूम का तो ऐसा भंखाड़ बना हुआ है। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छे मतलब अभी तक अलग कर दिए कपड़े, लेकिन उसके बाद से पता नहीं कि अभी कैसे इसको अलग करना है, करना है। लेकिन इनफैक्ट मुझे ये वाला सेक्शन भी अभी पूरा साफ करना है। बेसिकली इसमें तो सारी के सारे टॉयज ही हैं, लेकिन टॉयज भी अब मुझे एक एक करके देखने हैं कि भैया इसका कैसे करना है, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है टॉयज का ना। और आपको कॉफी बना के फिर मिलती हूँ। क्या है ये? मैंने कुछ ऑर्डर किया हो, कुछ चीजें मैंने अमेजोन से ऑर्डर की हुई हैं, आती होंगी दिखाती हूँ, खोलूंगी बाद में, एक बार पहले अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लूँ। मैंने कुछ सॉक्स मंगाई हुई थी, वो आ गई हैं। कहाँ से मंगाई थी या ली थी कुछ याद नहीं आ रहा। ये 3 कलर्स लिए थे, मुझे लगता है आज मैं ये कलर पहन लेती हूँ। हाँ जी, चल बाबा यहाँ कहाँ कहीं आया, चल बाबा चल बाबा चल बाबा, बहुत हैप्पी हैप्पी है मम्मा के आने पे, बहुत हैप्पी है। तो हाय मम्मा, हाय हाय, ओ चंचा मामा इधर आ जाओ, चंचा इधर जो मम्मा ने थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज पे जा रही है चंचा। ओह माय गॉड, हु इज दिस प्रिटी डॉल? ओके ओके, मैं आके बैठी हुई हूँ, मेरे सर आए नहीं है अभी तक। ओ सर आए हैं क्या मेरे? नहीं नहीं, मुझे लगा सर ही आ गए, वेट करते हैं। मुझे लगता है मेरे सर आ गए हैं। सर आपको मालूम है ना आप लेट हो? नहीं नहीं, मैं टाइम पे हूँ, आप लेट हो। मैं आप पहले से, मैंने व्लॉगिंग करी थी इससे पहले मैं बैठी हुई कि मैं सर का वेट कर रही हूँ, ये अब आए हैं। झूठ सर, आपका झूठ पकड़ा गया। इधर ही था सर, आपका झूठ पकड़ा गया। इधर ही था, बैठे कैसे थे अचानक से? कैसे कुछ उड़ता हुआ पीछे से आता है ना, वैसे बैठे हुए थे। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना वर्कआउट, कोशिश करूंगी। सर आज बहुत दर्द है बॉडी में, बहुत ज्यादा। आज ज्यादा दर्द देंगे आपको? नहीं सर, अंदर आना है क्या? नहीं मॉम, तो यही करते हैं ना। तो अभी 5 सेट और करने हैं। एटलीस्ट आए? हाँ 6 सेट। हाँ बेटा, इस समय खाना नहीं लाई मैं, थोड़ा डरती है। तो दोस्तों मैं धुल चुकी हूँ, पसीने में सारा बोर घर की ओर। कुत्ता मिल चुका है रास्ते में, इसको प्यार कर देंगे। ए बूढ़े, ए बूढ़े, ए बूढ़ा कुत्ता या बूढ़ा व्यक्ति, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मेरे सारे दिल के तार छिड़ जाते हैं। यहाँ पे जी मैं आपको दिखा दूँ कि अमिता ने बनाए हैं राज। अरे ये तो बड़े कमाल के लग रहे हैं अमिता, दिखा जरा। दिखने में तो अच्छा दिख रहा है, खाने में अच्छा है कि नहीं? तो खाने में क्यों अच्छा नहीं होगा, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। यहाँ पे राजमा चावल बैंगन की सब्जी सब आ चुका है, सिवाय इस स्वीटी को छोड़ के, इस कारण मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ। इसको फोन करती हूँ, गाली देती हूँ, तब तक आ जाएगी वो। तेरी तो मैं ऐसे ही पिटाई करूंगी ना, झूठी कहेगी। आ रही हूँ, आ गई, मैं आ ही गई, खाना खा रही हूँ। आ जा यार, मतलब खाना खाना तड़प रहा है, मैंने खाया नहीं, मैं तेरे को झूठ बोल रही थी। कैसी है तू? बड़ी अच्छी लग रही है।
हाँ कितनी क्यूट लग रही है। सच में? हाँ बहुत अच्छी लग रही है। नहीं भाई इन जानवरों से भी मिल ले, जान लेवे कुत्ते हैं ये, जान लेवा कुत्ते। तू आज स्टार्ट कर। हमला दीदी। हाँ मैंने एक दिन हैदराबादी बैंगन बनाए। हैदराबादी बैंगन? नेक्स्ट टाइम ना इससे घर में कुकिंग कराती हूँ। आपको मैंने वीडियो बनाया है, जरा इसको खा के बता। अमिता ने बनाया, अमिता राजमा बहुत अच्छा बनाती है। हाँ अमिता को रिव्यू दे देना। अमिता खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। राजमा बनाती है बहुत अच्छी है। अच्छे पता कैसे लग रहे हैं? हाँ जैसे पंजाबी ढाबे में नहीं बनते वैसे ही लग रहे ना। हाँ एग्जैक्टली हमारे घर की कढ़ी भी हाँ। और राजमा भी दोनों बड़े पंजाबी स्टाइल के होते हैं। अमिता कहाँ छुप रही है तू? हाँ जैसे कुछ क्यों ऐसा तेरे को लगा अच्छा नहीं बने? पंजाबी ढाबे में ये राजमा ये छोले ये कड़ी ये सब वही होते हैं ना। हाँ अरे सबसे बेस्ट वहीं पे मिलते हैं। चलो दोस्तों मैं भी जरा खा लूँ फिर मिलती हूँ। खा लूँ बच्चा। तो जी मैं और स्वीटी काफी देर से लगे हुए बातें कर रहे हैं। मैंने स्वीटी को पीछे बिठा दिया क्योंकि यहाँ पे अभी वीडियो कॉल पे एक तो मेरी मम्मी की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और फिर अविनाश की मम्मी की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। तो वो दोनों मेरे ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है जो कि मेरी वीडियो कॉल पे होनी है। न्यूरो डॉक्टर है और मम्मी को जो चक्कर आए थे आप लोगों ने देखा था बीच में उसकी वजह से उनका भी अपॉइंटमेंट है। तो ये अपॉइंटमेंट मैं खत्म कर लूँ और फिर आपको मिलती हूँ एक नई कैपेचिनो के साथ। पिएगी ना कैपेचिनो? हाँ पिऊंगी। अच्छी लग रही है लेकिन ये तो तूने टॉप पहना ना बड़ा अच्छा लग रहा है। ना ना अब जो तुम पेट इतना वो मत छुपाओ, दिखाया है तुमने पेट ठीक है? तुमने दिखाया है पेट तो ठीक है। क्या खुला था? बटन खुला था। बटन खुला हुआ था। जिब्बी खुली हुई थी। नहीं गाइस ऐसा कुछ नहीं है। देखो इतना तो आजकल तो कोई अरे आप सच में बोल रहे हो? यार ऐसे क्यों हो जाता है मेरे साथ यार। एक्चुअली बोल रही थी कि बहुत खा लिया मैंने राजमा चावल, मैं बटन खोल के बैठ रही हूँ, मैं भूल गई बटन खुला हुआ था और पूरी खड़ी होके दिखा रही है। एनीवे मैं वापस आती हूँ। तो स्वीटी तो चली गई है, उसको कुछ ऑडिशन वगैरह देना था तो वो निकल गई है। वो कहती थी मुझे आपको मैं ना आपको बाहर ही मिलती हूँ। तो मैंने आज सोचा हुआ है कि मैं इन दोनों को नहीं लेके जाऊंगी लेकिन चेरी को मैं आज बीच पे लेके जाऊंगी। लेट हर बी हैप्पी, थोड़ा सा खुश हो जाएगी। तो आज मैं इसको अकेला अपना टाइम दूंगी चेरू को और आज इसको खिला के लाऊंगी। ऑयल भी देखो ये चेरी की आवाजें हैं। चलो 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 मैं उठी तो मतलब पागल ही हो जाएगी। अमिता मुझे चेरी की चेन दे दे। आते आते वक्त गीजर ऑन करके रखना, तौलिया रखना, मैं इसको बीच पे लेके जा रही हूँ। सिर्फ चेरी जाएगी मेरे साथ और कोई नहीं। लगा दे चेरी को चेन, लगा दे और चेरी की बॉल दे दे। अच्छी वाली बॉल देना कोई चेरी की ताकि खुश रहे, खुश हो जाए। नहीं चेरी ये वाला छोटू बॉल है, ये ऐसा वाला बड़ा बॉल नहीं है क्या? फाड़ फूड देती है। हाँ ये ले ले चल। उसको लग रहा है ये भी जा रही है लेकिन मैं सबको नहीं हैंडल कर पाऊंगी। तो ये दोनों पहले से ही तैयार हैं वो लोग। मैं करूं तो करूं क्या यार इनको? आप दोनों नहीं जा रही हो अभी, बाद में मैं लेके जाऊंगी, रात को लेके जाऊंगी आप दोनों को। वो देख कैसे तैयार है। चलो अंदर चलो। इन दोनों को अंदर ले, इन दोनों को बिल्कुल अंदर ले। भाई राम मुझे बड़ा बुरा लगता है, मैं क्या करूं? लिटरली छिंछ के चेहरे पे था धोखा, मुझे धोखा दे दिया, क्या करूं यार मैं। चल मेरे बच्चा चल आज तेरी बारी है। एक्चुअली बीच का वो नहीं होता ना और अमिता भी साथ में होती तो तीनों को ले जाती है और शाम का टाइम थोड़ा सा गड़बड़ भी है ना, सबको ले जाने के लिए बहुत ज्यादा डॉग्स होंगे तो एक ही को हैंडल कर लेना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। बैठी रहो चेरी बैठी रहो, बॉल मेरे पास है, ये रही बॉल, हदे मत पार कर। चेरी बदतमीजी कर रहे की क्या जरूरत है, चुपचाप चलो चलो बॉल मेरे पास है। तो सबको बताना जरूरी है कि मैं पहुंच गई हूँ। आज ये क्या ही करेगी, इतनी भीड़ है ना कि क्या बताऊँ। चेरी मैं आपको खोलने लगी हूँ, अब आप खेल सकते हो आराम से। नहीं नहीं हंगामे नहीं करने, चलो आ जाओ चलो चलो लेट्स गो कम ऑन कम ऑन। चेरू गो, आगे का जा रही है। चेरू चेरी कम यहाँ, चेरू बेटा मम्मा यहाँ इधर आ। चेरी 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 बाबा यहाँ पे हूँ मैं, ये रही बॉल आपकी, कहाँ ढूंढ रहे हो आप? चेरी इतनी ज्यादा एक्साइटेड है ना, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फिर गई कहीं और, सबको भगा रही है। चेरी इधर आ, पागल ना हो तो आपकी बॉल यहाँ तो कहाँ जा रही, चलो। ये आज इतना नाक कटाने वाली है ना, सब लोग देख रहे हैं इसको। ये जानबूझ के क्या कर रही है ना, जैसे ही मैं बॉल फेंक रही हूँ ना उसको नजरअंदाज करके और आगे की तरफ भाग रही है, मेरे काबू में ही नहीं आ रही है। अभी थोड़ा सा थकी है तो बैठी है, देखो ओवर एक्साइटेड है, ओवर एक्साइटेड। इधर बैठ के ना लेकिन मजा बहुत आ रहा है, सनसेट होता हुआ और यहाँ पे मैं देख रही हूँ, मतलब ये बिल्कुल मेरे घर के पास में है ये एरिया। हर साल गणपति विसर्जन हम लोग नॉर्मली पहले यहीं पे करते थे, फिर वो बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी राइड्स वगैरह आ गई ना, ये देखो। ये सर
ये सब कब हुआ मुझे पता ही नहीं। बोटिंग वगैरह, बनाना बोट, ये सब कहाँ से आ गया? मतलब बोट्स देख रही हूँ मैं, चलो घोड़ा गाड़ी तो मेरे को दिखती थी हमेशा, ये नई नई चीजें आ गई यहाँ पे। मैं अविनाश को बताऊंगी तो वो हैरान ही रह जाएगा। मतलब इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, कब आई थी मैं लास्ट मुझे याद नहीं है। और देखो यार कितना अजीब हो जाता है, मैं बहुत मिस करती हूँ इस जगह को, लेकिन क्या करूँ। ये आते हैं ना तो एक तो गंदे बहुत हो जाते हैं, मतलब अब जाते ही इसको नहलाना पड़ेगा। देखो सांसे, देखो कैसे तेज चल रही है। थक गई है ये, बहुत ज्यादा थक गई है। मैं थोड़ी देर और 10 मिनट और बैठूंगी और फिर इसको लेके निकलूंगी। चेरी इज अ गुड गर्ल, गुड गर्ल। सोचो आप बाकी दोनों को लेके आती तो क्या होता, मैं सिर्फ इधर से उधर मैं ही भाग रही होती इनको छोड़ के। यहाँ पे ना मैगी के स्टॉल, चाट भंडार, फलाना ढिमकाना सब कुछ खुल गया है ऑन द बीच, जो कि पहले इधर कभी नहीं होते थे। मतलब जुहू बीच वगैरह पे होता था। मैं देख रही हूँ भुट्टे, चाट भंडार, मैगी, चाय। चाय पी जा सकती है लेकिन मैं अकेली कैसे पीऊँ। चेरी किसी और की बॉल है, वो चेरी किसी और की बॉल है। कम यहाँ वापिस आ जाओ, कम यहाँ चेरू, कम आ जाओ वापिस आ जाओ। ये रही आपकी बॉल, यहाँ है आपकी बॉल, यहीं पे है। हाँ चलो बैठेंगे, इधर बैठेंगे। ये देखो मिट्टी मिट्टी कर दिया, सिर्फ वापस जाके यही नहीं नहाएगी भी नहाऊंगी। फाइनली जी सूरज ढलते हुए ये भी आ गई है यहाँ पे। अच्छा हो गया तो चलो, थैंक गॉड ये अब आ गई है ना, तो अब मैं चाय वाय देखती हूँ। चाय वाय कुछ पीते हैं इधर, देखते हैं। मैंने पहली बार देखा है इधर, पता मैं इतनी वो हुई थी ना कि अचानक से, एक्चुअली मैंने ब्लॉक किया नहीं, इतने लोग आ गए ना बात करने के लिए, लेकिन इसको हैंडल करूँ कि मैं पिक्चर्स खिंचवाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं निकलते निकलते वही हो गया वो, कोई बात नहीं चल अब देखेंगे। नहीं खाऊंगी मैं कुछ नहीं। हाँ वो देखो कितना अच्छा लग रहा है वो, देखो चल चाय लेते हैं। चाय हाँ चलो चलो, हम यहीं पे हैं, हम यहीं पे हैं। एक्साइटेड हुई हुई और क्या, अब तेरे से बॉल चाहिए उसको। हाँ ले ली ना, चल आजा। ये भुट्टे का स्टॉल है यहाँ पे, यहाँ पे कोल्ड कॉफी, अरे कोल्ड कॉफी है भाई यहाँ पे। देखो नारियल वारियल, देखो ये पता नहीं काय के स्टॉल्स हैं यार, मैगी वगैरह सब है यहाँ पे। देखो चना मसाला, बटर कॉर्न मसाला, सब कुछ ही आ गया यार यहाँ पे। स्वीटी भेल का है क्या? भेल सूखा भेल है भैया, सूखा भेल बनाओ ना। तू तो गीला ही भेल खाएगी भैया, तीखा बिल्कुल मत करना, बिल्कुल तीखा नहीं रहेगा मेरा सूखा भेल, बिल्कुल तीखा नहीं है। बस कुछ चने वने मत डाल देना भैया, आलू आलू मत डालना। आलू डाल दिया क्या? हे भगवान, आलू डल गया। सुनो दूसरा बना दो। मैं तू फिर ये ले ले, सुनो इसको तीखा कर दो। और एक बिना आलू के बनाओ। मेरा बिना आलू के बनाओ भाई, भाई चम्मच उम्मच नहीं होता ना उसके पास, यही है चम्मच, क्या करेंगे मिट्टी के हाथ है। चलो कोई बात नहीं। देखो जी बिल्कुल सूरज ऐसे ढल रहा है, ये देखो ये एकदम सूरज अब छुपेगा और आपके सामने सामने ही छुपेगा एकदम। मुझे ना नीचे जा रहा है, देख नीचे जा रहा है। कितने सालों के बाद मैं ये चीज देख रही हूँ। ये रहा सूरज जी, चला गया। फाइनली मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने ढलता हुआ सूरज आपको दिखा दिया। नमस्ते दोस्तों, मैं खा रही हूँ बेल। क्योंकि रात हो गई है, आज का व्लॉग अब यहीं पे अंत करूंगी मैं, क्योंकि मुझे करना है अपना कुछ काम। मैं भी कुछ कुछ करती हूँ काम, अविनाश झूठा है जो बोलता है ना मैं कुछ नहीं करती, मैं अपने काम करती हूँ, जो मेरे को लिखना होता है वो लिख के ही सोती हूँ। मैं चली सोने के लिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और ये भी आशा करूंगी कि आप इस व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करेंगे, और हम आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में इस कुकुर के साथ और उस कुकुर के साथ। तीसरा कुकुर बाहर आएगा।